नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं एक नए पाठ के साथ जो स्पर्श भाग दो पर आधारित है। पहली कहानी जो है बड़े भाई साहब, जिसे मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखा है। इस कहानी में दो भाइयों के बीच जो अनबन है, जीवन के अनुभव को दर्शाया गया है। कहानी का जो मुख्य संदेश है कि पुस्तकीय ज्ञान से ज्यादा अनुभव ज्ञान ज्यादा जरूरी है। दूसरा है, शिक्षण जगत पर उन्होंने कुछ व्यंग कसे हैं। कहानी की भाषा जो है अरबी फारसी युक्त है। कहानी में ज्यादा से ज्यादा प्रेमचंद जी ने मुहावरों का प्रयोग किया है और बड़ा भाई छोटे भाई साहब को गलत राह पे न जाए अनुभव के आधार पर उसे समझाने का प्रयास किया। कहानी को तीन भागों में विभाजित किया गया है, प्रथम भाग, द्वितीय भाग और तीसरा भाग। कहानी के जो मुख्य पात्र हैं वो ये बड़ा भाई साहब है जो 14 वर्ष का है और छोटा भाई जो है वो 9 वर्ष का है। प्रथम भाग में छोटे और बड़े भाई का परिचय है कि बड़ा भाई साहब 14 वर्ष का है और छोटा भाई जो है वह 9 वर्ष का है। बड़े भाई साहब उसी वर्ष में पढ़ना शुरू किए थे, परंतु उन्होंने पढ़ाई जैसे तालीम को हासिल करने में जल्दबाजी का काम नहीं लेते थे। वे एक ही क्लास में एक दो साल, कभी कभी तीन साल लगा देते थे। उनका मानना था कि मकान की नींव जितनी मजबूत होगी, मकान या भवन उतना ही ऊंचा और मजबूत बनेगा। इसलिए पढ़ाई के क्षेत्र में वो हमेशा अनुभव के आधार पर एक से अधिक वर्ष लगाते थे। बड़े भाई साहब जो है अध्ययनशील थे, दिन रात पुस्तक खोले रहते थे, पढ़ते रहते थे। कभी को वे दिमाग को आराम देने के लिए पुस्तक के हाशियों में कुत्ते चिड़िया के चित्र बनाया करते थे, कभी एक ही वाक्य को बार बार लिखा करते थे, कभी सुंदर राइटिंग में एक ही दोहे या पंक्तियों को लिखा करते थे, कभी कभी इस प्रकार की वाक्य रचना करते थे कि छोटे भाई को वह समझ में नहीं। छोटा भाई भी उन्हीं के साथ पढ़ता था, हॉस्टल में रहते थे, परंतु उसका मन पढ़ाई से ज्यादा खेल कूद में रहते थे। वह जब भी मौका पाता बाहर निकल जाता, आटा पे झूलता, बच्चों के साथ खेलता, कंकरिया उछालता और शाम को जब घर आता तो बड़े भाई साहब उसे खेल कर आते हुए देखकर तरह तरह के उपदेश देते कि इस तरह आप पढ़ाई करोगे तो परीक्षा में पास नहीं होगे। मुझे देखते हो, मैं कितना अध्ययन करता हूँ, सुबह से रात तक पढ़ते ही रहता हूँ, तब भी मैं एक ही क्लास में दो दो बार, कभी बार तीन बार फेल हो जाता हूँ। आप इस प्रकार खेल कूद में जीवन व्यतीत करेंगे तो एक ही क्लास में सड़ते रहोगे। तो छोटे भाई हो, इसलिए मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कि आप जीवन में पढ़ाई के महत्व को समझो, खेल कूद को जाने दो, उसे छोड़ो। बड़ा छोटा भाई उनकी बातों को सुनकर वह नतमस्तक हो जाता है, तुरंत वह एक टाइम टेबल बना लेता है। टाइम टेबल में पढ़ने के सारे विषयों को वह चयन करता है। टाइम टेबल बना लेना ये उचित बात है, उस पर अमल करना एक अलग बात है। दूसरे दिन वह फिर वह हरे खेल के मैदानों को देखकर, फुटबॉलों को देखकर टाइम टेबल को वहीं छोड़ देता और खेलने में व्यस्त हो जाता है। उसी समय कहानी का दूसरा भाग शुरू होता है। वार्षिक परीक्षाएं होती हैं और बड़े भाई साहब परीक्षा में पुनः फेल हो जाते हैं और छोटा भाई कम पढ़ने के बावजूद भी क्लास में अव्वल आ जाता है। अव्वल आने के बाद उसे यह एहसास हो जाता है कि आप इतना पढ़ते रहते थे तब भी फेल हो गए, देखिए मैं खेल कूद रहा हूँ तब भी पास हो गया हूँ। अर्थात छोटे भाई के मन में एक घमंड का भाव हो गया, ज्यादा आप कहेंगे। अब उस घमंड को बड़े भाई साहब अनुभव के कारण पहचान लेते और वो तरह तरह के विभिन्न उदाहरण देते। आपने रावण का उदाहरण सुना था, देखकर वो समझाते हैं रावण बहुत ज्ञानी था परंतु उसका नाश क्यों हुआ, घमंड के कारण। ऐसे बहुत सारे उदाहरणों और तर्कों के द्वारा छोटे भाई को घमंड न करने का उपदेश देते हैं और फिर वह छोटा भाई नतमस्तक हो जाता, रोने लगता है। पढ़ाई का एक बहुत लंबा चौड़ा उन्होंने
खाका खींचा है कि आप अगली कक्षाओं में आओगे तो आपको दिन रात आंखें फोड़नी पड़ेगी, अलजेब्रा पढ़ना पड़ेगा, अच्छे अच्छे लोग अंग्रेजी पढ़ना और लिखना नहीं जानते हैं और परीक्षकों का इसी प्रकार हर रात मैं पुनः फेल हो जाऊंगा, परंतु परीक्षा और कठिन हो जाएगी। तो भैया ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करो। और जो तीसरे भाग की होता है फिर वार्षिक परीक्षाएं होती हैं और बड़ा भाई पुनः फेल हो जाते हैं और छोटा भाई जो है वो पुनः पास हो जाता है, क्लास में अव्वल भी आ जाता। अब उसके मन में आत्मविश्वास बढ़ गया, अब मैं पढ़ूं या ना पढ़ूं परीक्षा में पास हो जाऊंगा। उसे एक नया शौक जग गया, छोटे को कनकौवे उड़ाना। अब वह सारा समय वह कनकौवे उड़ाना, पतंगबाजी करना, टूर्नामेंट में भाग लेना, उसी में अपना समय व्यतीत करने लगा। बड़े भाई साहब भी थोड़े सहम गए और उसे कम से कम डांटते, परंतु एक दिन जो है उन्होंने उसे कनकौवे उड़ाते हुए देखा तो वो अनुभवयुक्त बातें करते हैं। देखो मैं तुमसे बड़ा हूँ और तुम्हें डांटने का मुझे अधिकार है, और आप यह जान लीजिए कि अनुभव ही है तो ये जीवन की सब काम आता है या जीवन में काम आता है। वो छोटे भाई अनुभवयुक्त माता पिता का उदाहरण देते हैं, अगर मुझे कुछ हो जाए, मैं बीमार हो जाऊं तो आपके हाथ पांव फूल जाएंगे, परंतु हमारे माता पिता पढ़े लिखे नहीं हैं, अंग्रेजी नहीं जानते हैं, फिर भी अगर उन्हें होता तो वो पहले उपचार करते हैं, फिर वह अस्पताल ले जाते हैं और हमें ठीक करते हैं। हमारे पास हर वर्ष हर महीने पैसे आते हैं, परंतु हमारे हिसाब किताब में इतने हैं कि हम सब पैसे 15 दिन में ही खर्च कर देते हैं और फिर हम माली नाई से जो है जी चुराते हैं। फिर वह हेडमास्टर साहब को अनुभव की बात करते हैं, पहले हेडमास्टर साहब वो एमए हैं और यहाँ भी नहीं एक्सपोर्ट यूनिवर्सिटी से हैं, पहले वो घर का खर्च स्वयं चलाते थे, हमेशा वो कंगाल रहते थे, तंग रहते थे, फिर उन्होंने घर की बागडोर अपनी बूढ़ी माँ को दे दिया, अब वो उसी में बरकत हो रहा है। तो भाई अनुभव, जीवन का अनुभव सबसे ज्यादा जरूरी है। फिर वह एक दिन वह पतंग उड़ते हुए छोटे भाई को पकड़ लेते हैं और उन्हें सीख देते हैं कि तुम आठवीं जमात में आ गए हो, कक्षा 8 में पढ़ रहे हो, पहले कक्षा 8 पढ़ के लोग मिडिलची हो चुके हैं, अच्छी अच्छी नौकरियों पे हो गए हैं और आप अपने पोजीशन का भी ख्याल नहीं रखते हैं, इन आवारा लड़कों के साथ तुम पतंग लूट रहे हो। मुझे भी पतंग उड़ाने का, फुटबॉल खेलने का, क्रिकेट खेलने का शौक होता है, परंतु मैं कैसे खेलूं? मैं अगर खुद बेराह चलूंगा तो आपको कैसे सुधारूंगा? छोटे भाई बड़े भाई से इस बात को सुनकर नतमस्तक हो जाता है। तभी वह बड़े भाई साहब कहते हैं कि मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ और बड़ा ही रहूँगा और तुम्हें मारने और समझाने का हक मुझ पर है। और तभी एक पतंग उत्कट कराती है और बड़े भाई साहब उसे पकड़ कर भागते हैं। कहानी का यही समापन होता है। कहने का अर्थ है बड़े भाई साहब कहानी के माध्यम से यह सीख दी गई है कि जीवन में पुस्तकीय ज्ञान से ज़्यादा अनुभव ज्ञान ज़्यादा जरूरी है। रटन शिक्षा पद्धति नहीं, अनुभव के आधार पर जानना समझना अति आवश्यक है। इस कहानी के माध्यम से यही संदेश दिया गया है। इस पाठ पर आधारित प्रश्न उत्तर आपको भेजे जा चुके हैं, आप उन्हें याद करें, लर्न करें और जो भी दुविधा हो वो हम बाद में चर्चा के द्वारा दूर करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।